जो कि 2 साल से नहीं डाला है, तो हमने कहा यार कि चलो एक कोशिश करते हैं फिर से ब्लॉग बनाने की। तो बस ये शुरुआत ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे ज़्यादा मोमोज हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिन बाद, शायद 1-2 साल बाद हम लोगों ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट की भी नहीं की, पता नहीं, मन कर रहा था ब्लॉग बनाने का तो स्टार्ट कर दिया। और हम लोग अभी सेक्टर 18 जा रहे हैं, तो दिल्ली में जनवरी का महीना, तो आप लोगों को तो पता ही हो कितनी ठंडी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अभी 1-2 साल बाद फिर से कोशिश की एक कि ब्लॉग बनाएंगे, तो देखते हैं कितना बनाते हैं, कि पहला ब्लॉग है यही लास्ट ब्लॉग होगा, लेकिन कुछ पता नहीं। तो अभी तैयार होते हैं और फिर चलते हैं 18, दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या क्या खाने को मिलता है, क्या क्या घूमने की अच्छी जगह है। तो अभी चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, और अभी तैयार होते हैं, जैकेट वैकेट पहनते हैं और फिर चलते चलते बात भी करेंगे आप लोगों से। बहुत ज़्यादा ठंडी दिल्ली में, फिर मेरी जैकेट है बहुत ज़्यादा मतलब वो वाली है, तो ठंडी वंडी नहीं लगती इसमें। तो अभी चलते हैं, और ऐसा कुछ पहन रखा पूरा ब्लैक 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 सॉक्स है, ब्लैक जीन्स है, ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक जैकेट है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। चलो तो अभी निकलते हैं और ताला वाला लगाते हैं, लाइट वाइट बंद करते हैं, लिफ्ट बुलानी पड़ेगी, लिफ्ट बुला जब तक आप। ताला लगा दिए, लिफ्ट आ रही है, तो चलते हैं नीचे, चलेंगे सेक्टर 18, लिफ्ट में लगाते हैं कार्ड। ये लिफ्ट बिना कार्ड के नहीं चलती है, तो इसमें कार्ड लगाएगा ये, और बैंक ग्राउंड फ्लोर। चलते हैं सेक्टर 18। कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये जैकेट टी शर्ट जीन्स। ये भाई देखो, नोएडा बोर्ड के पास मैं रहता हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ, देखो पूरी मार्केट एरिया है ये। वेलकम टू नोएडा भाई, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ से रिक्शा मिलेगा क्योंकि बाइक तो यहाँ पे है नहीं, तो रिक्शे से जाना पड़ेगा। तो गाइस बस 18 आने वाले हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में बस, मतलब वहाँ तो टोरंटो एंट्री थी, तो घुमा के ला रहे हैं ये। तो अभी 18 आने वाले, और चलते दिखाते क्या करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते हैं। तो चलते हैं, दिल्ली का ट्रैफिक देख लो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, दूर से। वैसे अभी ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इस फ़ोन से हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और इस फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, तो मतलब आप लोगों को सुनने में भी सही रहेगा, और मतलब जो ब्लॉग देखेंगे उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और पता नहीं यार ये कहाँ से घुमा के ले आए हम लोगों को, बहुत ज़्यादा लंबा 5 मिनट की मुश्किल से रास्ता है, लेकिन दिखाते हैं पता नहीं कौन से हाईवे पे ले आए हैं सेक्टर 18 के लिए। तो भी देखो पता नहीं कौन से हाईवे पे ले आए हैं, सेक्टर 18 जाना था हम लोगों को, लेकिन पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। भैया कहाँ ले चल रहे हो यार? अच्छा, ठीक है, चलो स्टेशन है ये 18 का, वो है मेट्रो स्टेशन 18, सेक्टर 18, और हम लोग उधर जाना है। वैसे तो उधर ही से आते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं पैदल, टहलते टहलते कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये देख लो, पूरी 18 अट्टा मार्केट बोलते हैं शायद, बहुत बड़ी मार्केट है ये, मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है, यहाँ सामान बहुत अच्छा खासा मिलता है। देखो कितनी बड़ी मार्केट है भाई। हेलो, बड़ा मार्केट, और हम लोग अभी घूमने आए, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने को। भाई आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और कितनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह, यहाँ सब लोग आते हैं, पूरा दिल्ली नोएडा वाले घूमने आते हैं, और बहुत ही कुछ अच्छा अमेजिंग सा है, देख लो पीछे। तो हम लोग भी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ट्राई करते हैं, और पब्लिक में ब्लॉगिंग करना तो मैं पता ही कि हमें नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। गाइस कोई बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है सिख लोगों का, लेकिन हमको पता तो नहीं है। आप लोग देख सकते हो कुछ मतलब क्या भी रहा है, अभी की बात है।
कितनी भीड़ है इस वैष्णो दूरी आंटी, नोएडा आंटी, नोएडा वाली आंटी मोमोज यहाँ से कुछ खाते हैं और देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ये हमारे तंदूरी मोमोज आ चुके हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, खाने के बाद ही पता चलेगा कैसे है। ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे ज़्यादा मोमोज हैं। बहुत ही मोमोज हैं, आप हम क्या कर सकते हो। मैं सच में बहुत अच्छे मोमोज हैं यार, थोड़ा पब्लिक प्लेस शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बहुत अच्छा है। खाते हैं फिर बताते हैं। तो गाइस वो खा के हम लोग लौट चुके हैं जा रहे हो कुछ खाने, पीछे देखो वेव वन। बहुत तीखा पानी है, ये गत्ता नहीं डालता भाई। बहुत ज्यादा तीखा, समझ आया। चाय पीना, वो बड़े चाय आप भी आ सकते हो, पी सकते हो यहाँ पे आके चाय। तो कैसे हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और पीछे दिखाते हैं, अरे नोएडा में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमको, अभी दिखाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया है, मतलब ये लगा है कुछ इसमें पोल में और ये जल रही है आपकी लाइट्स, तो ये पूरे खंभों में लगा रखा है इन लोगों ने पूरे। ये देखो गाइस, अभी हम लोग ने ऐसा कुछ खाया है, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया क्योंकि इतने तो नहीं भूख थी, लेकिन जितना भी खाया मतलब बेसिकली ये मोटिव था कि आज की वीडियो शूट करना, एक ब्लॉग शूट करना जो कि 2 साल से नहीं डाला है, तो हमने कहा यार कि चलो एक कोशिश करते हैं फिर से ब्लॉग बनाने की। तो बस ये शुरुआत थी, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और पब्लिक प्लेस थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं वीडियो बनाने में, लेकिन चलो कोशिश करते हैं बनाने की। हाय बोल दो, किसके लिए लें यार, किसके लिए लें बताओ। कैश, कैश नहीं भाई, कोई है नहीं जिसको दें, कैश है नहीं, कैश होता तो ले लेते। पीठ में लगा रखा है लोगों ने देखो, तो यहाँ कुछ पंगा हो गया था और हम लोग खड़े होकर देख रहे थे यहाँ क्या हुआ है, और कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई किसी को मार रहा था। फाइनली घर आ चुके हम लोग और मजा आ गया घूम के, आप लोगों को भी होप करते हैं मजा आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ जो पहले के सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही होंगे कि मैं ब्लॉग प्रैंक बनाता था, लेकिन अब जो भी इस वीडियो देख के आए या आगे वीडियोस देख कर आए, प्लान तो है कि हम लोग ब्लॉग्स ऐसे कंटिन्यू रखें और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दें आपको। शायद आज के ब्लॉग्स में आवाज़ प्रॉब्लम हो रही होगी या वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम, हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे, और बस कुछ नहीं, और अभी घर आ गए, और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग शायद नहीं बनेगा ये, तो अभी घर आ गए, फिफ्थ फ्लोर पर हमारा फ्लैट है तो हम लोग आ गए,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।